कम से कम इतना कहा होता। क्या कहा होता सर, क्या कहा होता? ये कहा होता कि ये भी इतना ही आसान है जितना कि पहले वाला था। क्या बात कर रहे हो सर, बराबर। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन देख रहे हो हार्मोनिक एनालिसिस, उसके फॉर्मूले मैंने रखा है। अब ये वाई रख सकते हो, वाई की जगह पे एफ ऑफ, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स है, बराबर। आपने यहां पे एफ ऑफ एक्स रखा तो भी चलेगा, यहाँ पे y रखा तो भी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में y दिया तो y रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसका मतलब पहले हमने f of x रखा था, अब y रख रहे हैं, आप f of x भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ लो सर, क्या है हम? तो ऐसा सवाल आता है, ऑब्टेन द कॉन्स्टेंट टर्म, बराबर, कॉन्स्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट साइन एंड कोसाइन टर्म। अब इस फॉर्मूला में कॉन्स्टेंट टर्म, तीन टर्म्स है हमारे पास, कौन से, ए जीरो, ए एन और बी एन। इसमें से कॉन्स्टेंट कौन सी होती है, ए जीरो, बराबर। वो क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि ये अलग होती है, उसके साथ एक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो इसको कॉन्स्टेंट बोले। उसके बाद ये वाली कॉन्स्टेंट टर्म होगी हमारी, बराबर। उसके बाद कौन सी टर्म, ए एन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, ये कॉन्स्टेंट टर्म होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट साइन एंड कोसाइन टर्म। साइन का कॉस, कॉस का ए एन है और साइन का बी एन है, बराबर, ए एन और बी एन। लेकिन पहला फर्स्ट पूछा, यहां पर ध्यान दो, फर्स्ट मतलब सिर्फ ए वन होगा, हमें आगे का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बराबर, सिर्फ पहला वाला, ओके। मतलब ये तीन चीजें फाइंड करनी है। इन द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ वाई, ये वाला एक्सपेंशन दिया है, गिवन इन द टेबल, ऑब्टेन एम्पलीट्यूड भी पूछा है, वो देखेंगे बाद में हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहां पर, बराबर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूला से अगर मैं यहां पे डिराइव करता हूं, स्टेप वन, तो जीरो वन टू थ्री दिया है, तो यहां पर यल लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल्स तो नहीं दिए, रेडियन पाई के फॉर्म में तो नहीं है, तो यल के फॉर्म में कर लेते इसको। कैसे यल के फॉर्म में करेंगे रे, तो पीरियड टू यल इज इक्वल टू कितना हो गया, कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह नंबर से, बराबर, इज इक्वल टू सिक्स, दैट इंप्लाइज एल की वैल्यू क्या होगी, थ्री, बराबर। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे हमारा जो वाई है वो कैसे बनेगा, ए जीरो बाय टू प्लस प्लस पहला टर्म चाहिए, सिर्फ समेशन की जरूरत नहीं है, पहला टर्म चाहिए। क्या है पहला टर्म, ए वन कॉस एन एक्स बाय थ्री, एन की जगह पे वन रखा, वन पाई एक्स बाय एल की जगह पे थ्री, तो कॉस पाई एक्स बाय थ्री प्लस बी वन साइन पाई एक्स बाय थ्री, बराबर, क्योंकि वन फर्स्ट पूछा है इसलिए, ठीक है, समेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, ये वाला प्लस एन की वैल्यू वन रखो बस, आगे का कुछ नहीं करना है, इसलिए ऐसा बनेगा हमारा, बराबर। तो इसको एक नंबर देके रखते हैं। अब हमें ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूली ये है हमारे पास, बराबर। तो ये तो सारा टेबुलर फॉर्मेट में हमें करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहां पर कॉपी करता हूं, ठीक है, स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, स्टेप वन, पीरियड टू एल इज इक्वल टू सिक्स, दैट एल इज इक्वल टू थ्री, और ये जो y है इसको यहां पर कॉपी करता हूं मैं, ए वन कॉस पाई एक्स बाय थ्री प्लस बी वन साइन पाई एक्स बाय थ्री, इसको एक नंबर देके रखते, इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर मुझे जगह चाहिए टेबल के लिए, बराबर। तो टेबल कैसे क्यों चाहिए सर हमें, वो भी देखते हैं हम। स्टेप टू, टेबल फाइंड करना है, टेबल में कॉलम क्या क्या होंगे, पहला कॉलम एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तीसरा क्या होगा, किसका समेशन चाहिए हमें, हमें पहले कॉस एन पाई, कॉस पाई एक्स बाय थ्री फाइंड करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान दो, साइन पाई एक्स बाय थ्री, फिर समेशन किसका चाहिए, पहले ये तो फाइंड कर लेते हैं बाद में देखते हैं। चलो एक्स में एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, जीरो वन टू
थ्री फोर और फाइव, राइट। इसको थोड़े से ऐसे करता हूं मैं, ओके 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 ओके, ठीक है। अब यहां पर वाई की वैल्यू लिखते हैं, 9, 18, ध्यान से लिखना, 28, 26 और 20। कॉस पाई एक्स बाय थ्री, कैलकुलेटर धनदन कर में, दन 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 सन कैलकुलेटर में ले रहा हूं। कॉस पाई एक्स बाय थ्री कैलकुलेटर में कैसे डालेंगे? अब एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, एक्स की वैल्यू यहां पर पहले जीरो डालनी है, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, ये कॉस जीरो वन हो जाएगा। अब यहां पे वन डालो वैल्यूज, कॉस पाई एक्स बाय थ्री कैलकुलेटर में कैसे, पाई की जगह पे 180 डालेंगे, रेडियन मोड में जाने की जरूरत नहीं है, डिग्री मोड में जाएंगे। कॉस ऑफ पाई एक्स बाय थ्री, मतलब एक्स वैल्यू अब वन है, पाई बाय थ्री सिर्फ, बराबर। तो 180 बाय थ्री मैं करता हूं कैलकुलेटर में, पाई मतलब 180 डाल सकते हो, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया मेरा, 1/2, ठीक है। अब क्या है आगे, कॉस पाई एक्स की जगह पे 2 डालना है। अब यहां पे देखिए, कॉस पाई इंटू 2/3 कैलकुलेटर में मैं कैसे डालता हूं ये बताता हूं मैं आपको, मैं पाई की जगह पे 180 डालता हूं, क्लियर। तो पाई की जगह पे 180 और इंटू कितना करना है हमें, 2 इंटू टू, ये आया -1/2, ठीक है। सब कुछ ऐसे ही डालना है, -1/2। अब मैं इंटू 3 करता हूं, यह आया -1, इंटू 4 करता हूं, -1/2 अगेन, इंटू 5 करता हूं लास्ट वाला, यह आया 1/2। अब साइन वाला करते हैं, साइन 0, एक्स की जगह पे 0 रखो पहले, तो ये 0 आएगा, साइन पाई बाय 3। अब मुझे साइन करना है, बराबर, साइन ब्रैकेट पाई बाय 3 कितना आता है मेरा, √3/2, ये सब कुछ कैलकुलेटर में कर रहा हूं। अब 2 पाई बाय 3 इंटू 2 करूंगा बस मैं 180 को, √3/2 ही आया वो, ठीक है। अब 3 डालूंगा मैं इंटू 3, 0 आया, इंटू 4 -√3/2 और इंटू 5 -√3/2, ठीक है, ओके सर समझ गए। अब उसके बाद कौन सा कॉलम होगा अगला, हमें समेशन किसका चाहिए, ये दोनों का समेशन चाहिए भाई, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे समेशन करेंगे, y इंटू कॉस पाई एक्स बाय थ्री। वाई कौन सा है, ये वाला y और ये वाला cos, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे समेशन मिलेगा, राइट, ओके। तो दिस इंटू दिस, 9, 18 × 1/2, 9, 24 × -1/2, -12, 28 × -1, 26 × -1/2 और 20 × 1/2। तो इसको कैलकुलेट समेशन अब करना है, इसका समेशन y cos पाई x बाय 3 कितना है, ये सबका ऐड करो, करो ये कितना है, -3, ये -3, -31, -12, -43 +18, -43 +18, कैलकुलेटर में कर देता हूं, -25 आया है, ओके। और हमें और क्या चाहिए यहां पर, एक्स के लिए समेशन वाई भी चाहिए, राइट, तो समेशन वाई यहां पर आएगा, ये कितना आता है देखते हैं, 18/9, पहले ये करता हूं, 26, 46, 46 प्लस 56, 66, 76, 74, 74, 84, 94, 98,
98, 108, 118, 160, 125. मैंने कैसे किया बोल जाओ, आप कैलकुलेटर करना, ठीक है? ओके, अब ये अगला पार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कॉलम बचा है, कौन सा? ये फॉर्मूला था, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, बस ये वाला हो गया, अभी रह गया y into sine of pi x by 3, y into sine pi x by 3, y और sine वाला इसका 9 into 0, 18 into root 3 by 2, ये कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। root 3 by 2 करना है ना, 9 root 3 आया मेरा, बराबर ये इंटू ये कितना आएगा, कितना है 24 है ना, 12 root 3, तो क्या डिवाइड बाय 2 करके आ रहा है, बराबर। अब क्या है वाई इंटू साइन, बराबर कहाँ गया 28 इंटू 0, ये 0 आएगा, 26 माइनस 13 root 3 आएगा, राइट। और ये वाला इंटू ये वाला 20/2 माइनस 10 root 3, और इसका समेशन कितना आएगा रे, इसका समेशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है इसका समेशन, माइनस 2 root 3 वाई आ रहा है, ये रूट थ्री कॉमन ले लो ना, माइनस 13 माइनस 23, माइनस 23 माइनस 12 और 9 माइनस 13 माइनस 23, 23 में से 12 गया कितना, 11 में से, अरे माइनस 23 प्लस 12 माइनस 11 प्लस 9, ये माइनस 2 आ रहा है मेरा, माइनस 2 root 3, बराबर है। समेशन y साइन n पाई साइन पाई x बाय 3 ना, ये माइनस 2 root 3 आ गया, बराबर, ये सबका एडिशन, तो सब कुछ आ गया। अभी फाइनल हमें बस क्या करना है, इसको लिख देना है, बराबर, थोड़ा ध्यान से करना है करते वक्त, अभी सब कुछ हो गया है, अब लास्ट स्टेप करेंगे, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में करना क्या है, उन्होंने क्या क्या पूछा था हमें, ए जीरो ए वन बी वन तो हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, अब एम्पलीट्यूड पूछा है, बराबर, ए जीरो सॉरी वो ए जीरो फाइंड करना है, राइट। ए जीरो का फॉर्मूला क्या है, ए जीरो का फॉर्मूला 2 summation y upon m, समेशन वाई कहा है 125, अपॉन यम कितना, यम मतलब कितने नंबर है, बराबर कितने नंबर है, 6 नंबर है, बराबर 1 2 3 4 5 6, तो यम की वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं मैं 6, ठीक है, यम को लिखता हूं 125 बाय 6 कितना आता है, पॉइंट में लिखता हूं 20.83 आता है, क्लियर, ये हो गया। अब आगे करेंगे, इसको यहां पर रख देता हूं मैं, अरे ये रह गया ना, 2 रह गया यहां पर, 2 रह गया, अरे बाबा ये कितना आएगा फिर, 41.66 आ रहा है, राइट, इसको इंटू 2 कर दो ना, 41.66 आएगा, क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम an, an की वैल्यू क्या है, 2 समेशन y इंटू cos pi x by 3 upon m, तो ये 2 इंटू इसके समेशन y इंटू cos ना माइनस 25 आया है अपॉन 6, an की वैल्यू आई हमारी 25/3, राइट, माइनस 8.33, एन मतलब ये A1 है, A1 सिर्फ हमें 1 चाहिए, राइट, माइनस 8.33। अब लास्ट, अब कौन सा, B1 इज इक्वल टू 2 summation y sin pi x by 3 अपॉन यम, तो ये 2 इंटू समेशन वाई कितना आया है, माइनस 2 root 3 अपॉन ए 6, तो ये आएगा मुझे लगता है माइनस 4 root 3 अपॉन 6,
-1.15। B1 कितना आया मेरा? -1.15। क्लियर? ओके सर, तीनों के तीनों आ गए। अब एंड में हमें क्या करना होगा, ये मैं हटा रहा हूं, यहां पर लास्ट आंसर लिखता हूं। ये फॉर्मूले मैं साइड में हो रहा हूं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट वगैरह ड्रॉप वीडियो पॉज करके लिख के ले लो, मैं फिर से समझाता हूं यहां तक क्या किया है और क्या बचा है। बोलो, क्वेश्चन में पूछा था कॉन्स्टेंट टर्म निकालो, तो मैंने यहां पर a0/2 निकाला है, कॉन्स्टेंट टर्म a0/2 एंड में हम लिखेंगे, a0 निकाला बराबर। फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट साइन एंड कोसाइन, तो पहला साइन का कोएफिशिएंट होता है a1, तो वो निकाला, और कोसाइन का a1 और साइन का b1 दोनों निकाला, यहां तो हो गया। अब इन दी फूरियर एक्सप्रेशन, ओके यहां तो अब हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, और एंड में आप वो ये तीनों वैल्यूज यहां पर पुट कर सकते हो बराबर। अब ये तीनों वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा और एंड में मैं एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं यहां पर, ये वाला पार्ट, ओके। लास्ट स्टेप बचा है, अब लास्ट स्टेप, स्टेप 4 और लास्ट स्टेप यहां पे लिखता हूं बराबर। तो फाइनली y की वैल्यू में यहां पर लिख देता हूं a0/2, a0 कितना है 41.66 आया है, अपॉन 2 प्लस a1 cos πx / 3, a1 की वैल्यू कहां आई -8.33 बराबर, cos of pi x by 3 प्लस b1 की वैल्यू -1.15, यहां पे नीचे लिखता हूं -1.15। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बराबर y का फूरियर सीरीज के बाद। और लास्ट जो स्टेप है वो भी करता हूं, जो भी एम्पलीट्यूड हमको पूछा था, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप सिंपली ध्यान में रखो कैसे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट a1² + b1² बराबर। तो a1 की वैल्यू कहां पर है -8.33 का स्क्वायर प्लस b1 की वैल्यू -1.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये अगर कैलकुलेटर में डालोगे एज इट इज 8.33² + 1.15² 8.409 लिख सकते हो 8.409। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड बराबर। तो काम खत्म। एक बार क्विकली बता देता हूं मैंने किया क्या है यहां पर सारी चीजें। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन मैंने दो बार पढ़ा, फिर से पढ़ता हूं आपको, ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये टेबल दिया गया बराबर। इस टेबल से मुझे पता चला कितने नंबर है, 6 नंबर है बराबर। तो 2L = 6 लिया, तो एल की वैल्यू क्या होती है 6/2, एल मुझे 3 मिल गया बराबर। तो एल के फॉर्म में दिया है इसलिए मैंने मुझे ये फॉर्मूला पाई एक्स बाय 3 वाला याद आया, अपना ओरिजिनल फॉर्मूला। यहाँ पे n पाई एक्स बाय 3 n पाई, यहाँ पे n क्यों नहीं लगाया मैंने, n की वैल्यू यहाँ पर 1 ली है, 1 क्यों, क्यों सर, क्योंकि फर्स्ट बोला है सिर्फ पहला टर्म निकालो सिर्फ, इसलिए n की वैल्यू अगर उस फॉर्मूला में 1 डालते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। n पाई एक्स था ना, तो n की जगह 2, यहाँ पे an था ना इसलिए n की जगह 2, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे समझ में आया, क्लियर, इसको 1 दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, a0 a1 और b1 फाइंड करना है बराबर। a0 a1 और b1 का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, a0 a1 हो, ये a0 का फॉर्मूला, ये a1 का फॉर्मूला और ये b1 का फॉर्मूला। अब a0 के फॉर्मूला में समेशन ऑफ y है, अब x और y आपको क्वेश्चन में दिया है वो मैंने लिख के ले लिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, a0 के लिए m चाहिए, m मतलब क्या होता है, गिनो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा m बराबर। अब 2 एज इट इज समेशन y मुझे चाहिए, तो समेशन कहां मिलता है, समेशन मतलब एडिशन, पूरे कॉलम का टोटल, तो वो टोटल y किसका समेशन चाहिए, y का, तो y के नीचे टोटल करो उसका, y का समेशन 125 रख दिया, a0 मिल गया, बात खत्म, ओके। अब ये कॉलम मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इस फॉर्मूला में कॉलम मुझे ये चाहिए समेशन, जहां जहां समेशन है वो कॉलम आपको बनाना पड़ेगा बराबर बराबर। तो समेशन y इंटू cos, y इंटू cos का समेशन है, लेकिन उसके पहले मुझे y तो चाहिए मेरे पास, तो y है मेरे पास,
उसके बाद cos पाई x भी 3 है, तभी तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बराबर। तो cos पाई x बाय 3 मुझे फाइंड करना पड़ा। cos पाई x बाय 3 कैसे करेंगे, हर बार x की वैल्यू बदलेंगे, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 लेंगे, कैलकुलेटर में डालेंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगे एज इट इज, कैलकुलेटर से कॉपी पेस्ट किया मैंने, बराबर। अब क्या चाहिए, y into cos पाई x बाय 3 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो y into cos पाई x 3 का ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पर लिखा है, बराबर। और उसका मुझे समेशन चाहिए, तो इस कॉलम का समेशन यहां पर किया और ये वैल्यू यहां पर रख दी, आ गया है 1। सिमिलरली यहां पे y into cos था, यहां पे y into sin है, तो साइन का कॉलम चाहिए मुझे पहले, तो साइन का बनाया, और y into sin, ये जो y into sin है वो यहां पर मैंने बनाया, और उसका मुझे क्या चाहिए, समेशन है, समेशन मतलब टोटल, वो नीचे होता है, वो नीचे कर दिया, यहां पे वैल्यू रख दी, मेरा b1 आ गया, तीनों के तीनों आ गए। इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद ऐसा हो गया। अब लास्ट में उन्होंने एक और पूछा था, यहां पर एम्पलीट्यूड वे फाइंड करो, उसका फॉर्मूला ये ध्यान में रखो डायरेक्ट, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई, बात खत्म, कुछ है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर, बराबर, ठीक है। तो रुकते हैं यहां पर, और ये आई थिंक यहां पर लास्ट ये टॉपिक है इस फूरियर सीरीज का, और मैं यहां पर बोलता हूं कि इसके ऊपर का प्रॉब्लम आप और भी सॉल्व करो, तो करते हैं अगला टॉपिक।